मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस बार कई नेता पुत्र पहली बार चुनावी समर में किस्मत आजमाने जा रहे हैं, जिसमें एक हैं बीजेपी के दिग्गज नेता और राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के पुत्र आकाश विजयवर्गीय। आकाश को इंदौर के विधानसभा क्षेत्र संख्या 3 से बीजेपी ने मैदान में उतारा है। ये दादा का आदरणीय रमेश मेंदोला जी का ये कहना था, क्योंकि मैं पहली बार चुनाव लड़ रहा हूँ इसलिए मुझे 2 नंबर से लड़ाया जाए और उसके बजाय उनको कोई सी भी कठिन सीट पार्टी दे दे, वो वहाँ से लड़ने के लिए तैयार है। ये उन्होंने आगे रहकर माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी को कहा था। इसके लिए हम और हमारा पूरा परिवार बड़ा कृतज्ञ है उनका, मगर पता नहीं पार्टी के कुछ समीकरण इस प्रकार से बने कि क्योंकि दादा को और भी विधानसभा शायद से वो देखने का बोल सकते हैं, इसलिए वो ऐसी सीट देना चाह रहे थे, थोड़ा फ्री रहे दादा। पिता की विरासत संभालने चुनावी रण में उतरे आकाश का जन्म 12 सितंबर 1994 में हुआ था। आकाश ने शुरुआती शिक्षा इंदौर से की है, वहीं शाह इंजीनियरिंग महाविद्यालय उज्जैन से बीई सिविल किया, मास्टर डिग्री कार्टेगी मेरलोन विश्वविद्यालय पिट्सबर्ग यूएसए से किया। विजयवर्गीय ने पढ़ाई के बाद सिविल कंस्ट्रक्शन कंपनी की स्थापना के साथ ही व्यवसाय की शुरुआत की। आकाश ने पिता के राजनीति में व्यस्त रहने के कारण इंदौर स्थित घर पर आने जाने वाले लोगों की सेवा के लिए राजनीति में कदम रखा। वो सोशल मीडिया में सक्रिय होने के साथ ही अध्यात्म और प्रकृति के प्रति काफी प्रभावित है। वाशा नाम के एक एनजीओ के साथ मिलकर गरीब और रोगियों की सेवा के लिए काम कर रहे हैं। इसके साथ ही महादेश संपूर्ण विकास केंद्र के जरिए गरीब अशिक्षित और अशिक्षित युवतियों और महिलाओं को निःशुल्क सिलाई ब्यूटी कढ़ाई और बुनाई की ट्रेनिंग दिलाते हैं। भगवान भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त हैं। आकाश क्रिकेट के भी काफी शौकीन हैं, जिसके कारण वो समय समय पर इंदौर में क्रिकेट प्रतियोगिता करवाते रहते हैं। आकाश अपने पिता कैलाश विजयवर्गीय की तरह ही राष्ट्रवादी विचारधारा के हैं, वहीं वो स्वामी विवेकानंद को अपना आदर्श मानते हैं। आकाश ने साल 2015 में देव से महादेव के नाम से एक बुक भी लिखी है। इसी नाम से एक संस्था के जरिए युवाओं को अध्यात्म से जोड़ने के लिए हर सोमवार को पूरे इंदौर में ओम नमः शिवाय मंत्र के जाप के जरिए उनके चरित्र निर्माण का काम कर रहे हैं। आकाश के कामकाज को देखते हुए 4 जून 2018 को बीजेपी युवा मोर्चा से खरगोन जिला प्रभारी बनाया गया था। चूंकि आकाश विजयवर्गीय अब चुनाव मैदान में है, ऐसे में इंदौर के युवा आकाश पर कितना भरोसा करते हैं ये तो 11 दिसंबर को ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी तक।